हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के नए वीलॉग में। दोस्तों अभी आपको बता दूं कि शाम के 6 बजे हैं और मैं सुबह गया था जॉब पर से आने के बाद भी थोड़ी देर सो गया था और जस्ट भी थोड़ी देर पहले जगा हूँ। जगने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ और आपके सामने अभी बातें कर रहा हूँ। तो अभी चलिए हम बाहर जाते हैं। बाहर जा रहा था तो पहले सोचा कि चलो व्लॉग की जो है शुरुआत ही कर देते हैं, और व्लॉग की शुरुआत करने के बाद अभी हम जाने वाले हैं बाहर। कहाँ जाने वाले हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मुझे ना थोड़ी अभी चाय पीने की तलब लगी है, तो मैं जामनगर की है ना फेमस चाय, जो जामनगर में कई सारी जगह पर जो है अच्छी अच्छी चाय मिलती है, लेकिन मुझे जो है मालधारी की ही चाय पसंद है। उसके बाद आशापुरा जी की चाय है, फिर कई दूसरी है ना शक्ति की चाय है, फिर चामुंडा चाय है, फिर रजवाड़ी चाय है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चाय जो लगती है वो है मालधारी की चाय। तो मालधारी की चाय कहाँ मिलती है और कैसी है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको भी मेरे साथ चलना है और आपको भी चाय का चुस्की लेना है। तो चलिए मिलते हैं आगे, हम आपको है ना पूरा जामनगर दिखाते जाएंगे, तो वो भी आप देखते रहना। चलिए बाय। अभी निकल चुके हैं घूमने के लिए, देखिए एरोप्लेन जाना दिखा रहा हूँ आपको। इस साइड एक कॉलेज है, तो वहाँ पर थोड़े पेड़ पौधे ज़्यादा है इस साइड, बाकी नहीं। दोस्तों अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो एक समंदर जैसा है ना एक तालाब दिखा, जो है लखोटा तालाब। लेकिन वो थोड़ा लखोटा तालाब जो आपने पहले वीडियो में देखा उससे थोड़ा अलग है और थोड़ा है ना पास में ही है, लेकिन उसको है ना ऐसा जो घूमने जैसा नहीं बनाया, लेकिन वो आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। अभी ये आपको जो दिख रहा है वो भी वही तालाब है जो हमने पहले एक वीडियो में लखोटा तालाब यानी कि रणमल तालाब के जो है टाइटल से बनाया था, वो जो आपको दिखाया था वही है। लेकिन ये थोड़ा उससे ना अलग हो जाता है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर सामने बॉर्डर है, आपको शायद दिखेगी वहाँ पर है ना वो लगाया हुआ है इसमें रेलिंग। उसके वो बाद है ना वहाँ पे एक रोड भी है, उसके बाद है ना रंजीत तालाब यानी कि रणमल तालाब स्टार्ट होता है। और अभी आपको दिखेगा जामनगर का मेला अभी जो बन रहा है, सातम आठम जो आ रही है तब तक बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन आपको उसका पहला व्यू दिखाता हूँ कि कैसा बनने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ और दिखा देता हूँ जामनगर का मेला कैसे बनने वाला है। देखो आपको वहाँ पर चकडोल्स वगैरह दिख रहे हैं, मैं पास जाकर भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं जा रहा था चाय पीने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आ गया मेले में। मेले में तो आ गया लेकिन मेला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो चल रहा है उसका पूरा प्रिपरेशन। देखो अभी देखो पीछे है ना, यहाँ पर देखिए चकडोल है वगैरह, चकडोल बन रहा है अभी वहाँ पर। और आपको है ना बैक कैमरा करके पूरा मेला दिखा देता हूँ, लेकिन अभी कोई लोग आपको इसमें है ना राइड करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी ये मेला बन रहा है 26 अगस्त को जो सातम आठम है तब तक ये बनकर रेडी हो जाएगा। और तब तक यहाँ पर पब्लिक है ना वो अभी देखो ना तो उमट कर आने वाली है, क्योंकि पूरा जामनगर ये मेले को है ना इन्जॉय करने के लिए आएगा। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि कैसी चल रही है अभी है ना मेले की तैयारी। यहाँ पर वो ब्रेक डांस बनेगा, दो है, एक ये है गोल घूमने वाला और एक बगल में है वो जो है ना पूरा रोटेट होता है वो। और यहाँ पर एक है ना हुड़की जैसा जो है वो अभी यहाँ पर इधर पूरा घुमाएगा उस टाइप का है। और बाजू में है ना लेटा हुआ चकडोल है, उसके बाद बाजू में जो है वो खड़ा हुआ चकडोल है, उसके बाद यहाँ पर नाव है, उसके बाद वहाँ पर मौत का कुआ है। और अभी देखिए पूरा यहाँ पर अभी है ना डेकोरेट हो रहा है, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आने वाली है तो वहाँ पर ये मेला हो जाएगा तब तक रेडी। और यहाँ पर पब्लिक ही आपको है ना देखने को मिलेगी, अभी कोई नहीं दिख नहीं रहा है मेरे से अलावा। मैं अभी आया हूँ इंजॉय करने के लिए और आपको दिखाने के लिए कैसी चल रही है मेले की तैयारी जामनगर में। अभी तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बाद में आऊँगा पूरा जो ये मेला है वो स्टार्ट हो जाएगा यानी कि शुरू हो जाएगा तब तक मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा और सब राइड कैसे चलेगी वो सब भी आपको दिखाऊंगा। आपने पहले देखी भी होगी सब जगह पर, लेकिन इस वीडियो में आपको वापस देखने को मिलेगी और जामनगर की कैसी होती है रौनक मेले के टाइम, जन्माष्टमी के टाइम, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को आप जरूर देखते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, अभी तो सब बन रहा है, यहाँ चित्तल का स्टॉल है, उसके बाद यहाँ पर सब देखिए ये है, यहाँ पर टॉयज का सब अभी है ना, अभी सब लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं और कई सारी जगह पे तैयारियां हो चुकी है। तो वहां पर थोड़े लोग कुछ ना कुछ ले भी रहे हैं, यहां पर पुलिस स्टाफ की भी व्यवस्था है, पानी भी यहां पर होगा,
देखिए, अभी देखो मेले की सब तैयारियां हो रही है, सब जगह अभी सेट हो रही है और ये सब छोटे मोटे जो इक्विपमेंट है, यानी कि जो छोटे मोटे बच्चों के लिए जो खेलने के लिए है वो सब अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि उसमें इतना देरी नहीं लगता है। लेकिन जो बड़ा वाला है, जो चकडोल है, वो सब बनने में टाइम लगता है। तो अभी टाइम है एक वीक का, 26 तारीख को है ना ये मेला स्टार्ट हो जाएगा, उससे एक दिन पहले ही। तो अभी से ही तैयारियां स्टार्ट हो गई है और जबर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। तो इस तरीके से अभी है ना मेले की तैयारियां हो रही है, अभी फिलहाल हो रही है। अभी जब हो नहीं पाया है तो अभी मेला है ना वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी एक वीक के बाद जो जन्माष्टमी आने वाली है तभी ये मेला स्टार्ट होगा। तो तभी की रौनक आपको दिखाएंगे। अभी जोरों शोरों से जो तैयारियाँ चल रही है वो मेला आपको दिखाएगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पुल का काम चल रहा है तो उस वजह से थोड़ा अभी ट्रैफिक जाम होता है कई बार। देखिए अब ये जब बन जाएगा फ्लाईओवर, उसके बाद डायरेक्ट ही सिटी में से डायरेक्ट बाहर जाने का रास्ता ओपन हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम सिटी के बाहर जा सकते हैं और ट्रैफिक जो है हमको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। अभी आया हूँ खोड़ियार कॉलोनी साइड, यहाँ पर ट्रैफिक है ना बहुत ही रहता है, क्योंकि रिलायंस और नायरा के लोग अभी है ना जॉब से वापस आते हैं। ये वाले एरिया में ना बड़ी बड़ी कार्स रहती है, देखो 3 फॉर्च्यूनर है, एंडोवर है, फिर थार है, सब लोग यहाँ पर है ना, क्योंकि वहाँ पर भी फॉर्च्यूनर पड़ी हुई है। ये जो खोड़ियार कॉलोनी का एरिया है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त, और अभी है ना यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ही मिलती है। और ये खोड़ियार माता जी का मंदिर, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है खोड़ियार मंदिर, यानी कि खोड़ियार कॉलोनी। ये मॉल है क्रिस्टल मॉल, इसके अंदर मूवी वगैरह है, 3 मूवी लगी हुई है, कौन सी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए भीड़, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रहती है, ट्रैफिक भी यहाँ पर रहती है, भीड़ यानी कि लोगों की भीड़, ट्रैफिक यानी कि गाड़ियाँ वगैरह, क्योंकि यहाँ पर है ना रोड से ही है ना सब लोग या जॉब से वापस आते हैं, सब बसें हैं ना यहाँ गुजरती है। अब जब देखिए रिलायंस की भी बस अभी आ रही है। अभी पहुँच गया हूँ मालधारी होटल, जहाँ पर मुझे चाय पीनी है, मेरा दोस्त भी आ चुका है, तो चलिए चाय पी लेते हैं और इन्जॉय करते हैं आज का दिन। मालधारी नो चा तो पीवो पड़े। कहीं कहते तो